बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 4.4 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सिर्फ स्मार्ट सिलेबस में है, तो वही हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट कहता है शो डैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये इक्वल है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इस चीज को हमने इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक हो गया। राइट हैंड साइड ले लें, आसानी से लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगी। एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई, ठीक हो गया। इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करें। एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्केयर एक्स वाई, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एक्स वाई, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब तो वन होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है ना। इसकी जगह पर हम वन लिख देंगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से मैं माइनस एक्स वाई कॉमन निकाल रहा हूं, ओमेगा भी कॉमन आता है लेकिन ओमेगा मैं कॉमन नहीं निकाल दूंगा। उसकी वजह क्या है कि माइनस एक्स वाई कॉमन निकाल दूंगा, पीछे रह जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा प्लस ओमेगा। नेगेटिव साइन जब बाहर कॉमन आएगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक होगा ना। ओमेगा क्यूब वन है, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस वन होगी। ये क्यों माइनस वन होगी? क्योंकि ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं, ये वन लग जाकर माइनस होगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस वन, जो हमने यहां पर यूज कर ली। अब x माइनस वाई एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया फार्मूला जो आप मैट्रिक में पढ़ गए हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और अगर आप ऐसे मुतमिन ना हो, फार्मूला आपको याद ना हो, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रह जाएगा। उस तरह भी ठीक है, मैं आपको फार्मूला को अप्लाई कर दिया कि ये फार्मूला है, लिहाजा ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर, शो दैट its other root is omega square and prove that omega cube is equal to 1। ये हम प्रूव करेंगे कि omega cube जो है ये 1 है। ये बेटा हम प्रॉपर्टीज में तो प्रूव कर चुके हैं omega cube equal to 1 है,
तो यहाँ पे दोबारा वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये जो इक्वेशन है ना इसको हमें सॉल्व करना है और प्रूव ये करना है कि अगर इसका एक रूट ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। गिवन इक्वेशन, इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, यहां पे ए वन है, बी भी वन है और सी भी वन है, ठीक होगा ना। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम ए कहते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं, कांस्टेंट को सी कहते हैं, तीनों वन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं आप, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। वैल्यूज पुट करें, सर की वैल्यू वन है, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन ओवर टू इंटू वन। तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर ओवर टू, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू। तो पॉजिटिव साइन के साथ अलहदा लिख लें और नेगेटिव साइन के साथ अलहदा लिख लें। एक्स इक्वल आ गया जी माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू, आर एक्स इक्वल है जी माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू, ठीक हो गया। तो ये जो नेगेटिव साइन है स्क्वायर रूट के अंदर इसको हम आयोटा लिख देंगे, इसको भी आयोटा लिख देंगे। तो आप रिकॉल करें अपने माइंड में, ये दोनों जो हैं ये तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ये दोनों, और इनके बारे में हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। बोथ रूट्स आर, बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड दे आर स्केयर ऑफ ईच अदर, दे आर स्केयर ऑफ ईच अदर। ये दोनों रूट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं और इनकी एक प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे का स्केयर है। देयरफॉर इफ माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू इज ओमेगा, देन माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के स्केयर होते हैं इसलिए अगर इसका नाम ओमेगा है तो इसका नाम ओमेगा स्केयर है, और रूटीन में हमारी यही है, हम इसको ओमेगा कहते हैं इसको ओमेगा स्केयर कहते हैं। एक बात तो प्रूव हो गई, अगर इसका एक रूट ओमेगा है, ओमेगा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। यही डिमांड थी हमसे कि अगर एक रूट ओमेगा है तो साबित करो दूसरा रूट क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये जो प्रूव करना ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन ये हम प्रूव कर लेते हैं, हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Now we will prove that. अब हम प्रूव करेंगे कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन है। तो ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया जी। ओमेगा हमने इसको कहा हुआ है माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू, और ओमेगा स्क्वायर है माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ये नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा फोर, टू इंटू टू हो जाएगा फोर। ऊपर क्या होगा देखेंगे, माइनस वन को आप ए कह लें और थ्री अंडर रूट आयोटा को बी कह लें, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो माइनस वन का स्केयर प्लस वन ही होगा,
और ये 3 आ जाएगा, आयोटा का स्केयर आ जाएगा नीचे आ जाएगा जी 4। तो यहाँ से फिर ओमेगा क्यूब की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 - 3 - -1/4, क्योंकि आयोटा स्केयर -1 होता है तो -1 + हो गया 1 + 3/4, 4/4 = 1। तो ये चीज भी हमने प्रूव कर दी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर 1 + √3 iota/2 and 1 - √3 iota/2 and hence prove that 1 + √-3/2 इसकी पावर 9 प्लस 1 - √-3/2 इसकी पावर 9, ये दोनों को सम करें तो कहता प्रूव करें कि आंसर -2 आता है। ठीक हो गया, इसको भी प्रूव, इसका सोल्यूशन भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि -1 के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं ये दोनों है, एक ये है और एक ये है। ठीक हो गया जी, मैंने पहले क्वेश्चन में भी फर्स्ट जो क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का उसमें मैंने आपको सिखाया था कि हमने क्यूब रूट्स किस तरह फाइंड करने होते हैं। ठीक, हम लिखेंगे लेट एक्स बी आर क्यूब रूट ऑफ -1 देन एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू -1। फर्ज करें एक्स क्यूब रूट है -1 का तो फिर एक्स क्यूब किसके इक्वल होगा -1 के, क्योंकि एक्स -1 का क्यूब रूट है। ठीक हो गया, तो यहां से बेटा ये 1 इधर आगे प्लस हो जाएगा। अब आप एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है जी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला यूज हुआ है। बस यहाँ पे ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 है, तो इधर जब 1 पुट करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो फार्मूला ये वाला बन जाएगा। ठीक हो गया, ये भी आपने ऐसे भी पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां आप ऐसा करें x प्लस 1 को अलग जीरो कर दें और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को अलग जीरो कर दें, यहां से तो जो वैल्यू आएगी ये रियल रूट होगा। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में रियल रूट हमारे काम का नहीं है, हमारा टारगेट है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स फाइंड करना -1 के और साबित करना कि ये दोनों जो है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है -1 के। ठीक हो गया ना, तो इसको आप सॉल्व कर लें Using quadratic formula, we have quadratic formula यूज करें, x इक्वल आएगा जी माइनस बी, बी देखें -1 है। ठीक है ना, तो माइनस बी करेंगे तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए भी 1 है और सी भी 1 है। ठीक है, ओवर 2a, तो यहां से फिर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी
एक्स जो आएगा हमारे पास, एक्स आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर पावर टू, तो वन माइनस फोर आएगा जी माइनस थ्री, ठीक हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर टू, हेंस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ माइनस वन आर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, एक है जी वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू और एक है जी वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू, यही हमें प्रूव करना था, देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ ये है और ये है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों की पावर नाइन लेने से सम करें तो आंसर माइनस टू आता है, ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट हमने ये प्रूव करना है कि वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री बाय टू रेज टू द पावर नाइन और वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाय टू रेज टू द पावर नाइन इक्वल टू आता है जी माइनस टू के, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड अब ले लें, वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री बाय टू की पावर नाइन और वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाय टू की पावर नाइन। देखिए अगर मैं यहां पर नेगेटिव साइन लगा दूं तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, क्योंकि ऊपर पावर जो है वो आर है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव साइन बाहर लगा लिया, इधर भी अगर नेगेटिव साइन बाहर लग जाएगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर वाले साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखें। अब बेटा देखें ये और ये दोनों तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ये माइनस थ्री अंडर रूट है, इसको थ्री अंडर रूट और साथ आयोटा लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये और ये इनके पावर के अंदर वाले दोनों जो है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसका नाम हम ओमेगा रखते होते हैं, इसका नाम हम ओमेगा स्क्वायर रख लेते होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रख लेते हैं, इसका नाम ओमेगा रूटीन के मुताबिक, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के स्केयर होते हैं, ठीक होगा ना। तो ये आ गया बेटा ओमेगा की पावर 18 माइनस ओमेगा की पावर 9, इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 6 ओमेगा क्यूब की पावर 3, ओमेगा क्यूब 1 होता है 1 की पावर 6 1 की पावर 3, तो 1 की जो मर्जी पावर 1 ही होता है, तो ये देखें जी माइनस 2 आपके पास आ गया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि सारा लेक्चर जो है आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। स्मार्ट सिलेबस में आज के बाद फॉलो करूंगा, पहले मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा था लेकिन मैंने सोचा कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन होना है वो स्मार्ट सिलेबस में से होना है, इसलिए मैं उसी के मुताबिक चलूंगा। तो ये आप अच्छी तरह रूटीन से देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।